अगर हम चाहते हैं कि हम अपना अपनी लाइफ जो है हेल्दी लाइफ हमारी हो, तो हम क्या करें, जंक फूड, पैकड फूड जो है, और जो है ये सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें हम कहते हैं, वी शुड अवॉइड दी। वी शुड कंज्यूम मोस्टली रॉ फूड, प्लांट बेस्ड फूड। हमें जो है वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना है, हमें जो है फ्रूट्स को कंज्यूम करना है, बल्कि जो है फ्रूट ब्रेकफास्ट जो है, फ्रूट ब्रेकफास्ट का चलन अगर हम अपनी फैमिलीज में करें, यानी सुबह जो हमारा पहला डाइट हो वो फ्रूट्स होने चाहिए। आप देखेंगे तेल का कंज, और ये पाया गया कि जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज को स्टडी, कोई लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं, सिविलाइजेशन प्रेशर होता है ना, वहाँ पे कैंसर जो फूड था उसमें ज्यादा कंज्यूम होते। अस्सलामुअलैकुम, मैं इशरत हूँ। टुडे ऑन इट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड सेफ्टी डे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा रोज का फूड है, इट शुड बी हेल्दियर। हेल्दियर कैसे हो सकता है? वी शुड अवॉइड द जंक फूड। जो हम जंक फूड्स लेते हैं, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। या पेरेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक वो पॉकेट मनी जो अपने चिल्ड्रंस को देते हैं, दे शुड स्टॉप गिविंग दैट। उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, एक मदर या एक फादर को इंस्टेड ऑफ गिविंग द पॉकेट मनी, हम उनको डायरेक्टली फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाने के लिए दे सकते हैं। दैट विल बी अ बेटर वे, सो दैट दे कैन लीड टू द बेटर हेल्थ। दूसरी बात ये, जंक फूड्स हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो टिन्स में जो फूड, प्रिजर्व्ड फूड होता है, दैट शुड बी अवॉइडेड। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम व्हाट वी कॉल इज एज द, उनके लिए मैसेज है कि वो जितना भी लिमिटेड फूड लाए उतना ही लाए जितना वो खा सकते हैं। और यह हम फूड जो कुक करते हैं, दैट शुड बी मतलब उतना ही वो कुक करें जितना वो उनको उस टाइम पे वो चल सकेगा, उससे ज्यादा नहीं होना। ये हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिन मनाया जा रहा है, और इस साल जो WHO ने इसके लिए थीम चुना था वो था सेफर फूड बेटर हेल्थ। आप देखिए, जो हमारा फूड है उसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारी हेल्थ के साथ है, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी, चाइना स्टडी, जो कि 70s में की गई, और उसकी फाइंडिंग्स भी हमें यही बताती है कि हमारा फूड जो है वो हमारी हेल्थ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। एस्पेशली जो प्लांट बेस्ड फूड है, जो प्लांट बेस्ड फूड है उससे जो है हमारी हेल्थ जो है वो इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, विथ मॉडर्नाइजेशन, विथ अर्बनाइजेशन, विथ वेरियस प्रोसेस ऑफ चेंज जो है, हमारे जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो गए, और आज हमारी सोसाइटी में जो है जंक फूड, पैकड फूड, फैक्ट्री बेस्ड फूड जो है उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। और इससे क्या हुआ कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो आप देखते हैं वो जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। स्पेशली जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये आप देखेंगे ये राइज पे है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है, अगर हम चाहते हैं कि मतलब हम हेल्दी रहे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें प्लांट बेस्ड फूड जो है उसको इस्तेमाल करना है, हमें वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करना है, हमें फ्रूट्स को इस्तेमाल करना है, हमें जो है जो भी फूड नेचुरल फॉर्म में है उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी।